महाराष्ट्र से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एनसीपी के विधायक दबंगई करते नजर आ रहे हैं। घटना रायगढ़ जिले में डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस की है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक सुरेश लाड ने डिप्टी कलेक्टर को उन्हीं के ऑफिस में सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। विधायक के इस थप्पड़ कांड को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल मामला कुछ यूं बताया जा रहा है कि सुरेश लाड अपने समर्थकों के साथ करजट तहसीलदार ऑफिस पहुंचे, जहां डीसी को गाली देने लगे। जैसा कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह विधायक जी डीसी और उनके साथ खड़े दूसरे शख्स का कॉलर खींच रहे हैं, और कुछ ही देर में अधिकारी को भी थप्पड़ जड़ दिया। इतने के बाद भी विधायक साहब को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने डीसी को धमकी दे डाली। विधायक का आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर जानबूझकर किसानों की जमीन अधिग्रहण के काम में देरी कर रहे हैं, और इसी वजह से विधायक साहब को गुस्सा आ गया। हालांकि इस थप्पड़ कांड की निंदा उनकी पार्टी ने की है, और पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो डीसी को शिकायत करनी चाहिए। अपनी बात मनवाने का विधायक जी का ये तरीका भी खूब रहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी दबंगई सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। देखते रहिए डीवी लाइव।